morning, all of you, class 11. Now start chapter number 2 की सीरीज चल रही है, उसमें डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, वन यूनिट टू अनदर यूनिट्स, चेकिंग द डायमेंशन. एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला. सो ऑल ऑफ स्टूडेंट बी अलर्ट एंड नाउ प्लीज माय स्क्रीन. Now the detecting relation among the physical quantities. It means we know that the dependence of the physical quantities on other quantities. It means one physical quantity depend karegi other physical quantities per. And consider it as a product types of depend. Or wo consider karegi uske products ko, yani ki multiplication ko. उस पर डिपेंड करेगी. इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, एक एक्सपीरियंस, एक आपके पास न्यूमेरिकल या एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उसको अपन सॉल्व करेंगे. ऐसे हम वन या टू न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके और डायमेंशनल मेथड को यहाँ पर प्रूव करेंगे. सो वी ऑल ऑफ स्टूडेंट सी इन माई स्क्रीन, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम depends on its length L. Okay, suppose that the periods of oscillation, periods of oscillation that means time periods of the simple pendulum depend on its length, mass, mass of the bob and acceleration due to gravity, it means small g. Full stop. Derive the expression for its time period t using method of the dimension. अब इसी डायमेंशन के मेथड को हम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. मैंने इसको थ्री स्टेप के अंदर जो है डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट स्टेप के अंदर नूमेरिकल जो क्वेश्चंस है उसकी वो रीड करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सेट करना. सेकंड जो मेथड है टॉप पॉइंट है उसमें डायमेंशन को बहुत सारे डायमेंशन को राइट डाउन करना और बाई डायमेंशन के अंदर जो भी मैकेनिज्म है उसको अप्लाई करना. थर्ड पॉइंट पर कंपैरिजन करना और इसके बाद में फॉर्मूले को डिराइव हो जाएगा. सो वी स्टार्ट नाउ. फर्स्ट टाइप टाइम पीरियड टी इज डिपेंड इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डिपेंड के लिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां पर यूज करेंगे. लेंथ, मास एंड ग्रेविटी. हमने क्या बोला था, कंसिडर इट इज द प्रोडक्ट टाइप्स. ओके, ये प्रोडक्ट टाइप्स हो गया. इस पर हम पावर को यूज करेंगे. किसको यूज करेंगे, पावर को यूज करेंगे. ओके, एम के ऊपर पावर ए बी एम, एल के ऊपर पावर ए, एम के ऊपर पावर बी और जी के ऊपर पावर सी. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ टी प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे, न्यू कांस्टेंट के कंसीडर करेंगे, एल के पावर ए, एम के पावर बी और सी के पावर जी के पावर सी. ओके, न्यू कांस्टेंट के है वो डायमेंशन लेस है. ओके, इसलिए इसकी वैल्यूज को हम वन भी डिसाइडेड कर सकते हैं और एज इट इज भी रख सकते हैं. ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है. इस फर्स्ट स्टेप के अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको राइट डाउन कर लीजिए. ओके, अब हम सेकेंड पॉइंट की ओर कंसिडर कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट के अंदर ओके, सेकंड पॉइंट की ओर कंसीडर कर रहे हैं. स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया है. सेकंड पॉइंट में बोथ साइड राइट डायमेंशन, बोथ साइड राइट डायमेंशन एंड वी कैट. तो टाइम की डायमेंशन हमारे पास में होगी एम जीरो, एल जीरो और टी वन. के डायमेंशन लेस है सो नो राइट डाउन. एल एल है वो लेंथ को कंसीडर कर रहा है, इट मींस एम जीरो एल वन टी जीरो. इसका पावर है ए. एम मास को कंसीडर कर रहा है सो एम वन एल जीरो टी जीरो और इसका पावर होगी बी. एन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट मींस स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल जी. इट मीन्स एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो ही यहाँ पर होगी. एक्सेलरेशन की डायमेंशन है एम जीरो एल वन टी माइनस टू की पावर सी. ओके, अब आप इसको जो है
सॉल्व करेंगे, तो इसमें सॉल्व में क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है उसको एज इट इज रखेंगे और राइट हैंड साइड के पोर्शन के अंदर जो पावर ए है वो मल्टीप्लाई करेगा इनर साइड में, पावर बी है वो मल्टीप्लाई करेगा इनर साइड में और पावर सी है वो मल्टीप्लाई करेगा इनर साइड में। इट मींस पावर से मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट ए बी सी को। सो एम जीरो एल जीरो टी वन, ओके। नाउ एम ने मल्टीप्लाई किया जीरो से जीरो, एल मल्टीप्लाई करेगा, एल के ऊपर पावर कितना है वन, वन मल्टीप्लाई करेगा तो ए, टी मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो। फिर अगेन एम मल्टी एम पर पावर कितना है वन, तो वन मल्टीप्लाई करेगा बी से तो बी, एल जीरो टी जीरो, ओके। फिर अगेन एम पर पावर जीरो है, एल पर पावर सी और टी पर पावर माइनस टू सी। अब इसके अंदर हमारे लेटर साइड को एज इट इज रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहां पर बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इट मींस m = 0 m = m पर पावर b, m पर m m पर पावर 0 m पर पावर b m पर पावर 0, तो यहां पर आएगा m पर पावर b, l के ऊपर पावर a, l पावर 0, l पावर c, तो यहां पावर आएगा a + c बिकॉज़ बेस आर सेम सो पावर आर ऐड। नाउ टी, टी पर पावर जीरो, टी पर पावर जीरो, टी पर पावर माइनस टू सी। ये पोर्शन कंप्लीट हो गया सेकंड। अब हमारा थर्ड स्टेप है बोथ साइड कंपेरिजिंग पावर, बोथ साइड कंपेयरिंग पावर एंड वी हैव। सो पावर को हम कंपैरिजन करेंगे तो बी इज इक्वल टू जीरो, बॉक्स बना दीजिए कॉमन, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ओके, ए इज इक्वल टू माइनस सी, देखा एम इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड थर्ड माइनस टू सी इज इक्वल टू वन, तो सी का पावर क्या आ गया, सी इज इक्वल टू माइनस हाफ, ओके। बी फाइंड आउट होगी, सी फाइंड आउट होगी एंड देन ए इज आल्सो फाइंड आउट बिकॉज पुटिंग द वैल्यू सी, सो ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ओके। ए बी सी जो आपकी कांस्टेंट पावर की जो वैल्यूज थी उसकी आपने वैल्यूज फाइंड आउट की, इन वैल्यूज को कहां पुट अप करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ओके। सो राइट डाउन, ओके, अब हम इसको पुट अप करने जा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में पावर्स इनकी वैल्यूज को। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गॉट, तो हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही है उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज आती है टी इज इक्वल टू के, एल पर पावर क्या थी ए, वेरी गुड, तो यानी कि ए पर ए इज इक्वल टू हाफ पुट कीजिए, एम एम पर पावर बी, वेरी गुड, बी पर की वैल्यू क्या है जीरो, जीरो पुट कर दीजिए, जी जी पर पावर क्या थी सी, सी की वैल्यू क्या माइनस हाफ, वेरी गुड नाइस। यानी आपको मालूम पड़ गया कि पावर को पुट अप करनी है, आपने पावर पुट अप कर दी, देन टी इज इक्वल टू के, अब m पर पावर 0 है इसकी वैल्यू 1 होगी। मैंने आपसे मेरी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि किसी बेस के ऊपर यदि पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, सो m 0 की पावर 1 हो जाएगी। अगेन 1 अपॉन 2 को मैं अंडर रूट कहूंगा, क्या लिखूंगा अंडर रूट, आप सब जानते हैं, फिर भी माइनर मिस्टेक रह जाती है सबसे। सो l के ऊपर पावर और g के ऊपर पावर कितनी है माइनस में है, उसको g को नीचे कर दीजिए और इसके ऊपर पावर 1 अपॉन 2 कर दीजिए, ओके। सब t इज इक्वल टू k, अब ये हो गया अंडर रूट l अपॉन g, ओके। सर k की वैल्यू क्या रहेगी, हम हमारे पास में k की जो एक साइंटिफिक वैल्यू जो डिसाइड करके लाए हैं साइंटिस्ट वो है 2 पाई को हम यहां कंसीडर करेंगे, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में k की वैल्यू को 2 पाई कंसीडर किया है, so t is equal to 2 pi under root l upon z,
ये आपने डायमेंशनल मेथड से ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया सिंपल पेंडुलम का। ओके सो राइट डाउन कर लीजिए, हेलो फ्रेंड्स। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन पर हम कंसीडर कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, इट्स मास पर यूनिट लेंथ, अगेन रिपीट, इट्स मास पर यूनिट लेंथ एंड द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। ऑब्टेन द डायमेंशनल एंड एक्सप्रेस फॉर द फ्रीक्वेंसी। अब इससे रिलेटेड अगेन हमारे पास में थ्री स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम डिपेंड्स हुए हुए फॉर्मूले को सेट करेंगे, सेकंड स्टेप में डायमेंशन को राइट डाउन करेंगे और थर्ड स्टेप में कंपैरिजन करके फॉर्मूले को सॉल्व आउट करेंगे। ओके सो नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन पॉइंट। सो फ्रीक्वेंसी को हम म्यू या एफ से डिनोटेट करेंगे। सो म्यू डिपेंड्स अपॉन लेंथ पावर ए, पावर इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, ओके, मास बी एंड टेंशन टी। ओके आप यहां पर प्रोपोर्शनल साइन को जैसे रिमूव करेंगे तो न्यू कांस्टेंट के, के इज द डायमेंशन लेस वैल्यू, सो एम एल पावर ए एम पावर बी एंड टी पावर सी। ओके फर्स्ट पॉइंट आर कंप्लीट। फर्स्ट पॉइंट के कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास में जो रह जाता है सेकंड पॉइंट, वो सेकंड पॉइंट हमारा है डायमेंशन को राइट डाउन करना। सो बोथ साइड राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला वी हैव। ओके सो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। ओके के कांस्टेंट है, लेंथ का डायमेंशन एम जीरो एल वन टी जीरो, और आपके पास में जो मास रिलेटेड है उस पर हमने क्या क्या सेकंड पॉइंट क्या है वो रीड कर रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ, और मास पर यूनिट लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो वैल्यूज आएगी मास की वो आएगी मास पर लेंथ, इट मीन्स एम वन एल माइनस वन, ओके और टी जीरो, ये यहां पर कंसीडर कर रखी है। टी टी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप करता है उसको कहते हैं फोर्स, तो यहां पर फोर्स की डायमेंशन आएगी क्या है एम वन एल वन टी माइनस टू, वेरी गुड, लेंथ हो गई है आपको थोड़ी बहुत, वेरी गुड, नाइस नाइस, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को एज इट इज रखिए और राइट हैंड साइड की डायमेंशन में जो पावर से उससे मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो ये हो जाएगी एम जीरो एल ए टी जीरो, एम बी एल माइनस बी टी जीरो, और ये होगी एम सी एल सी और टी माइनस टू सी। हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है आप सबको मालूम है, क्या है मालूम कि हम क्या करेंगे, बेस सेम होंगे तो उसकी पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, वेरी गुड नाइस, तो एम की पावर क्या होगी, एम पर पावर जीरो, एम पर पावर बी, एम पर पावर सी, सो एम इज पर पावर होगी बी प्लस सी, एल एल की कंडीशन में ए माइनस बी और सी, तो ए माइनस बी प्लस सी, वेरी गुड, और टी पर पावर क्या रहेगी माइनस टू सी। यहां पर हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप के बाद में हमारा थर्ड स्टेप जो रहेगा वो रहेगा, हमारा थर्ड स्टेप जो कंसीडर होगा वो सीधा कंसीडर हमारा क्या होगा कि बोथ साइड कंपेयरिंग द पावर, बोथ साइड कंपेयरिंग पावर एंड वी गेट। ओके जैसे आप पावर को सॉल्व आउट करेंगे तो बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेरी गुड नाइस नाइस, सो बी इज इक्वल टू माइनस सी। ओके ये सारी वैल्यू आपने फाइंड कर दी। सेकंड ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी की जगह क्या पुट अप करेंगे जीरो। ओके एक इक्वेशन ये बनी। थर्ड
थर्ड इक्वेशन आपके पास में है माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन, सो माइनस माइनस आर कैंसल आउट, नाउ द सी वैल्यू इज इक्वल टू प्लस हाफ। सी की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड कर दिया प्लस हाफ, सी की वैल्यू को पुट अप करेंगे यहाँ पर तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस हाफ। ओके, एक आ गई आपकी प्लस, एक आ गई आपकी माइनस। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट अप करूंगा किसके अंदर, ए प्लस सी के अंदर, तो इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूं ए, यहां पर बी की वैल्यू माइनस हाफ। ओके, बी की वैल्यू माइनस हाफ पुट कर रहा हूं, सी की वैल्यू को प्लस हाफ पुट कर रहा हूं और जीरो, ये हो गई ए की पावर प्लस हाफ और प्लस हाफ जीरो, ए की वैल्यू होगी ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए की वैल्यू होगी माइनस वन। क्या होगी बेटा माइनस वन। ए बी सी की पावर आपने फाइंड आउट की, इन सारी वैल्यूज को कहां पुट अप करना है इक्वेशन नंबर वन में, सो पुटिंग द वैल्यू ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी हैव सो फ्रीक्वेंसी के, वेरी गुड, आपको मालूम है अल्फा पावर क्या थी, देखिए वापस अल्फा पावर क्या थी ए, वेरी गुड, एम पर पावर क्या थी बी, और टी पर पावर सी, वेरी गुड नाइस। सो ए अल्फा पावर है, अल्फा पावर ए, ए की वैल्यू माइनस वन, एम एम पर पावर बी, बी की वैल्यू माइनस हाफ, टी टी पर पावर है सी, सी की वैल्यू पॉजिटिव हाफ। ओके, कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज आपने लिख दी है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे और अरेंज करके हम फॉर्मूले को जो है सॉल्व आउट कर देंगे, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी एज इट इज। ओके, के यहां पर वन अपॉन है म्यू के, और ये वन अपॉन है तो एल नीचे जाएगा, टी क्यू का पावर और एम का पावर माइनस में है तो नीचे जाएगा वन अपॉन टू। ओके, और आपके पास में फ्रीक्वेंसी को लेकर के अपॉन एल अंडर रूट टी अपॉन एम, ये आपके पास में वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर दिया है। ओके, इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम जो है कंसीडर कर रहे हैं, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको टू दिए हैं, आपकी डिमांड होगी तो और भी न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जिससे कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की प्रॉफिट हो सके। थैंक यू।